सात संगत जी, पिछले वीडियो में असी देखिया सी गंगू ने इनाम के लालच में माता जी और छोटे साहिबजाद मोरिंडे की कुतवाल को फड़ा दिता है। लोग गंगू नू ते मुगल सरकार नू लानता पा रहे हैं कि बिना कसूर तो माता जी और साहिबजाद गिरफ्तार किया गया। वजीर खां दे हुक्म नाल माता जी और साहिबजाद सरहंद विखे लियाया गया। हंसला नदी के नाल 140 फुट उच्चे बुरज विच, जिसनों असी ठंडे बुरज के नाँ नाल जानते हाँ, माता जी और साहिबजाद कैद किया गया। सात संगत जी, यह बुरज जो गर्मियों विच भी ठंडा रहिंदा सी, सोचो कि पोह दियां रातों विच किन्ना ठंडा रहा होगा। तसीहे देण दे मारे वजीर खां ने ना तो माता जी और साहिबजाद कुछ खाण पीण लई दिता, तो ना तन ते ढकण लई कोई वस्त्र दिता, ताकि उन्होंने धर्म तो डुलाया जा सके ते उन्होंने इस्लाम कबूल कराया जा सके। धन गुरु प्यारे, 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 गुरमुख पंथ सुहावड़ा, गुरमुख पंथ सुहावड़ा, गुरमुख पंथ सुहावड़ा, गुरमुख पंथ सुहावड़ा, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे, धन गुरु प्यारे। सात संगत जी, धन धन मोती राम मेहरा जी ने ठंडे बुरज विच ही माता जी और साहिबजादियां नूं दुध पियाउण दी सेवा कीती, जिसका कोई मुल तारिया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सारा कुछ लुटा दिता इस सेवा करन लई, इत्थों तक कि इस सेवा दे बदले वजीर खां वर्गे पापी ने मोती राम मेहरा जी और उन्होंने सारे परिवार को कोल्लू विच पीड दिता। वजीर खां ने चाल चली साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी तो जुदा करके अपनी कचहरी विच पेश किया, ताकि शाम दाम दंड भेद इन्हां बच्चियां नाल अजमा सके। पर यह बच्चे नहीं, यह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के फरजंद हैं, जिन्होंने जुत्ती की नोक दिखा के वजीर खां नूं शीशा दिखा दिता। चमकौर की गढ़ी विच तां वड्डे साहिबजादे तलवारां नाल लड़े सी, अज ये छोटे साहिबजादे विचारां नाल वजीर खां नूं हराणगे। सात संगत जी, इतिहासकार लिखते हैं साहिबजादियां नूं पहले लालच दिते गए, बाद विच डराया धमकाया भी गया, अते कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्हां नूं मारिया भी गया। पहले दिन की कचहरी तो बाद उन्हां नूं वापस ठंडे बुरज विच भेज दिता, जिथे आ के छोटे साहिबजादियां ने सारा किस्सा माता गुजर कौर जी नूं दस्सिया। सात संगत जी, माता गुजर कौर जी अते साहिबजादे ठंडे बुरज विच कदे तां गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी नूं याद करते हैं, कदे गुरु अर्जन देव साहिब जी की शहीदी नूं, अते उन्हां दे हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। ठंडा बुरज मानो माता गुजर कौर जी ने एक रूह फूक दित्ती साहिबजादियां दे अंदर, वह डोले नहीं धर्म तो कुर्बान हो गए। दूसरे दिन फिर पेशी हुंदी है ठंडे बुरज तो साहिबजादियां नूं कचहरी विच लैके जांदे हैं। अज नवाब मलेर कोटला जरूर इन्हां दे हक विच हाँ दा नारा मारदा है, पर सुच्चा आनंद वर्गे गद्दारा करके वजीर खां दीआं चालां करके साहिबजादियां नूं फसा दिता गया। उन्हां नूं सरहंद दी दीवार विच चिड़न दा फतवा दे दिता गया। वजीर खां जो कि अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सी, पहले आनंदपुर साहिब दे घेरे रहे, चमकौर साहिब दे घेरे रहे, पर हजे तक गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं सी फड़ सकिया, ते अपनी सारी खुंदक अपना सारा गुस्सा इन्हां बच्चियां ते दिखा के दलेर बन रहा सी। संगत जी, जुल्म दा टाकरा करदे हुए साहिबजादियां ने नीहां विच चिड़ना पसंद किया, पर इस्लाम कबूल नहीं किया, धर्म ते डटे रहे। सूरज किरण मिले जलका जल हुआ राम, ज्योति ज्योतरली संपूर्ण थी आराम। साहिबजादे नीहां विच शहीद कर दिते गए, माता जी ठंडे बुरज विच उस परमात्मा दे चरणां विच विलीन हो गए। सात संगत जी, इस अस्थान ते अज सुंदर गुरुद्वारा साहिब है, जिथे लखां करोड़ां संगतां
साहिबजादियां दे चरणां विच प्रणाम करदियां हन ते अपनी श्रद्धा दे फुल भेंट करदियां हन। यह स्थान शायद ही कोई सिख होवे जिसने इस स्थान दे दर्शन ना कीते हो। अज भी भोरा साहिब वाली जगह ते ओ दीवार मौजूद है जिथे साहिबजादियां नूं जीवंदे नीहां विच चिणिया गया सी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। ये शहादत धर्म लई सी। जुलम करन वालियां खिलाफ दो साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी अते फतेह सिंह जी विचारां ते अटल रहे अते वैरी नूं हरा दिता। आप शहीद हो गए पर धर्म की जित हो गई। अज सिक्खी का बूटा इन्ना साहिबजादियां करके ही हरिया भरिया है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने साहिबजादियां की कुरबानी का वजीर खां तो बदला लिया। सरहद की इट नाल इट खड़का दिती ते पहला सिख राज स्थापित किया। साध संगत जी, अगे असी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी के दर्शन करांगे जिथे साहिबजादियां का अंतिम संस्कार किया गया सी। इतिहास की सांझ करते हुई भुलों की मुआफ़ी देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।